हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो आज इस वीडियो में हम आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड कुछ अमेजिंग हैक्स, डीआईवाईज एंड ट्रिक्स सीखेंगे और उन्हें प्रैक्टिकली यूज करेंगे, जो आगे चलकर बहुत ही काम आने वाला है। सो नाउ विदाउट एनी फादर अडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डीआईवाई जेसो मेकिंग। जेसो जो है वो मेनली तीन इंग्रेडिएंट से बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सिंथेटिक रेजिन, व्हाइट पिगमेंट, और किसी भी आर्ट सर्फेस को एक स्मूथ पोर्स फ्री सर्फेस प्रोवाइड करता है। जेसो बनाकर मैं इस थीन कार्डबोर्ड में अप्लाई करके दिखाऊंगी, बेसिकली इससे एक बुकमार्क क्रिएट करूंगी। सो फर्स्ट हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हम डेली लाइफ में जो यूज करते हैं ऐसे कई चीजों में रहता है, जैसे पाउडर, टूथपेस्ट, फेस वॉश। सो मैंने यहाँ 4 चम्मच टैल्कम पाउडर लिया है। मेरे पास ऑलरेडी काफी सारा जेसो बना हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ी ही क्वांटिटी में बना के दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ऐसे टैल्कम पाउडर के लेवल में लिखा हुआ रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये टूथपेस्ट में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमें चाहिए सिंथेटिक रेजिन यानी ग्लू। तो प्रोपोर्शन हमें देख लेना है। मैं यहाँ लगभग 4.5 चम्मच ग्लू ऐड कर रही हूँ। पाउडर का अमाउंट करीबन 30% रहेगा और ग्लू का अमाउंट करीबन 50% रहेगा। क्योंकि ग्लू का अमाउंट कंपेरेटिवली अधिक रहेगा, इसलिए मैं बाद में और थोड़ा ग्लू ऐड कर रही हूँ। एक हल्का मिक्स देने के बाद जरूरत के अनुसार पानी ऐड कर लेना है। तो अब हम इसके साथ नियर अबाउट 20-30% व्हाइट एक्रिलिक पेंट ऐड करेंगे। चाहे तो आप ब्लैक या किसी डिफाइंड कलर के एक्रिलिक पेंट भी यूज कर सकते हैं। इन शॉर्ट द होल थिंग इज पाउडर और व्हाइट पेंट, इन दोनों के कंपैरिजन में ग्लू का अमाउंट थोड़ा अधिक रखें। इससे जेसो का ग्रिप अच्छा बनता है और ड्राई हो जाने के बाद एक शाइनी फिनिशिंग दिखने को मिलता है। अच्छी तरह से मिक्स कर ले। कंसिस्टेंसी अधिक पतला लगे तो पाउडर ऐड करे और ज्यादा थिक लगे तो जरा सा पानी ऐड कर ले। जेसो मेकिंग में पाउडर के बदले आप चाहे तो पीओपी या व्हाइट सीमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर मिक्सिंग के बाद जेसो हमारा बन गया। जेसो हमेशा फ्लैट ब्रश से ही अप्लाई करें, इससे चारों तरफ इवनली स्प्रेड होकर एक स्मूथ प्राइम्ड फिनिशिंग देगा। एंड एज यू कैन सी, ये बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो गया है, एक जेन्युइनली क्रीमी टेक्सचर। पता ही नहीं चल रहा है कि मैंने इसे घर पर बनाया है। इस DIY जेसो को लंबे समय बाद भी यूज करने के लिए इसे हमेशा एक एयरटाइट कंटेनर में ही रखें। सो अब देख लेते हैं हमारा जेसो ड्राई होने के बाद कैसा फिनिशिंग आया है। यस, एकदम स्मूथ फिनिश एंड परफेक्टली रेडी फॉर एनी आर्ट वर्क। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट वर्क की तरफ। तो अब हम बनाएंगे DIY एक्रिलिक पेंट और बनाकर टेस्ट करके भी देखेंगे सही से बना है कि नहीं। ऐसा करते हैं, पहले हम एक्रिलिक और पोस्टर कलर नेक्स्ट टू नेक्स्ट अप्लाई करके ड्राई होने के बाद उनके ओरिजिनल टेक्सचर को देख लेते हैं और फिर हम अपने DIY एक्रिलिक को बनाकर उसे भी अप्लाई करके टेक्सचर चेक करेंगे। तो पहले एक्रिलिक अप्लाई कर लेते हैं एंड एज वी ऑल नो, एक्रिलिक ड्राई होने के बाद परमानेंटली सेट होकर एक ग्लॉसी फिनिशिंग देता है। तो जब तक ये ड्राई हो रहा है हम पोस्टर कलर अप्लाई कर लेते हैं और पोस्टर कलर तो जरा सा पानी के टच में आते ही रिमूव होने लगता है। सो एक्रिलिक और पोस्टर कलर अप्लाई हो चुका है, इन्हें जरा ड्राई होने देते हैं और फिर हम इनके टेक्सचर चेक करेंगे। ड्राई हो जाने के बाद ब्रश को पानी में डिप करके पहले एक्रिलिक को अच्छी तरह से रब करके देखेंगे। बट सी, मैं ब्रश को काफी प्रेशर देकर ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये एक्रिलिक तो ड्राई होकर एकदम परमानेंटली सेट हो गया है। इसका मतलब हम जो एक्रिलिक बनाएंगे उसे भी ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड का बनाना पड़ेगा। इधर पोस्टर कलर भी ड्राई हो गया है, अब एक बार इसे भी देख लेते हैं। और ये देखिए, ये तो पूरा निकलने लगा है, एकदम ब्लेंड ही हो गया। तो चलिए हम अपना DIY एक्रिलिक बनाते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऐसे एक कलर पैलेट या प्लेट में ग्लू डालें, फिर थोड़ा सा पोस्टर कलर या वाटर कलर मिक्स करें। ग्लू मैंने यहाँ फेविकॉल लिया है, आप अपने पसंद का कोई भी पेपर ग्लू ले सकते हैं। यह ग्लू का अमाउंट कलर के कंपैरिजन में थोड़ा अधिक रहेगा। प्रॉपर मिक्सिंग के बाद कलर हमारा बन गया, अब इसे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी, कलर एकदम परफेक्ट बना है और स्मूथली अप्लाई हो रहा है। अब मेनली देखना है ड्राई होने के बाद परफॉर्मेंस कैसा रहता है। ड्राई हो चुका है, अब एक ब्रश को अच्छी तरह से वेट करके रब करना स्टार्ट करेंगे एंड जस्ट सी द रिजल्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। हम चाहे जितना भी रब करें, ये तो एकदम ओरिजिनल एक्रिलिक की तरह पूरा परमानेंटली सेट हो गया है। सो इट्स डन। चलिए अब हम इस तरह से एक्रिलिक पेंट बनाकर इस कार्डबोर्ड के बेस को कलर करके देखते हैं। तो मैं पोस्टर कलर में कोबाल्ट ब्लू और व्हाइट को आपस में मिक्स करके एक लाइट शेड बनाकर ग्लू ऐड कर लूंगी। रिगार्डिंग ग्लू, एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह के DIY जेसो मेकिंग, पेंट मेकिंग आदि में फर्नीचर ग्लू का इस्तेमाल न करें, फेविकॉल जैसे पेपर ग्लू का ही इस्तेमाल करें। क्योंकि फर्नीचर के ग्लू से पेंट या जेसो
तो बन जाएगा लेकिन बाद में जरा हार्ड हो जाता है और स्मूथ फिनिशिंग नहीं दे पाता। और इधर बातें करते करते पेंट हम अप्लाई कर चुके हैं, एक्रिलिक जैसा ही ग्लॉसी फिनिशिंग आया है, परमानेंटली सेट भी हो गया है। बाकी रिजल्ट आपके सामने है, सो यू कैन ट्राई दिस एट होम एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट वर्क। नेक्स्ट हैक में हम कुछ डॉटिंग टूल्स देखेंगे। अगर आपके पास डॉटिंग टूल्स है देन ओके, नहीं है तो फर्स्ट इस तरह से पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंसिल से छोटे छोटे डॉट्स बहुत ही अच्छे क्रिएट होते हैं। देन कोई एम्प्टी पेन या रिफिल भी यूज किया जा सकता है। यूजुअली इस तरह के एम्प्टी पेन या रिफिल हम फेंक देते हैं, लेकिन नेल आर्ट या डॉटेड मंडला में जब हमें कई बार बहुत ही टीनी साइज के डॉट्स बनाने पड़ते हैं तो उस पर यह हैक कमाल का काम आएगा। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप पेंटिंग करते हैं तो अलग अलग साइज के ब्रशेस तो आपके पास होंगे ही, तो उनके बैक साइड से वीडियो में दिखाए गए अनुसार वैरायटी साइज के डॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ एक लिमिटेड टाइम के अंदर कई सारे डॉटिंग टूल्स के ऑप्शंस दिखा दूंगी। इसके अलावा अगर और भी डॉटिंग टूल्स के हैक्स या ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जिस डॉटिंग टूल के बारे में मैं बताऊंगी वो एक्चुअली द बेस्ट डीआईवाई डॉटिंग टूल है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं ईयरबर्ड्स के बारे में बता रही हूँ। ये परफेक्टली राउंड डॉट्स क्रिएट करता है, इजीली अवेलेबल, और एक ही बर्ड से डिफरेंट साइज के डॉट्स क्रिएट किया जा सकता है। फिर भी अगर आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है देन आप एकदम घर में मौजूद चीजें जैसे मैच स्टिक ले सकते हैं। अगरबत्ती खत्म हो जाने के बाद उसका पतला स्टिक पड़ा रहता है, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में हेयर एक्सेसरी लाइक बॉबी पिंस और यू पिंस तो है ही। एंड द बेस्ट थिंग इज ये ऑप्शन नेल आर्ट जैसे बारीक वर्क्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड यू कैन सी द रिजल्ट, कितने ज्यादा छोटे डॉट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ये सेगमेंट जरा लंबा हो गया बट आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और एक ऑप्शन है, ऐसे मिनी सीजर के शार्प टिप में कलर लेकर डॉट्स क्रिएट किया जा सकता है। फाइनली हम कुछ और हैंडी डॉटिंग टूल्स के बारे में जानकर नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ जाएंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन में है टूथपिक या ईयरबड्स के कॉटन को निकाल के उसके पतले स्टिक को शार्प करके भी यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कोई एम्प्टी स्केच पेन की निब को भी ऐसे डॉटिंग टूल यूज कर सकते हैं, और ये हैक अनडाउटेडली बहुत ही अच्छा काम करता है। अच्छा, तो अब देख लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक। अक्सर पेंटिंग बॉटल्स या ट्यूब्स, चाहे कोई भी मीडियम के हो, एक्रिलिक पोस्टर या वाटर कलर, उनके कैप्स इस तरह से टाइट होकर लग जाता है और लाख कोशिश करने पर भी खुलने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा मेनली होता है लॉन्ग टाइम इन्हें इस्तेमाल ना करने पर या कलर्स ड्राई होकर अधिक मात्रा में कैप पर लग जाने पर। तब क्या करना है, इस तरह से किसी बोल, मग या कंटेनर में गर्म पानी ले लीजिए। पानी बहुत ज्यादा गर्म न ले, पर हाँ उसका गर्माहट गुनगुने पानी से बेशक अधिक रहेगा। इन्हें पानी में डाल दे और ज्यादा नहीं 3 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखे। कैप के आसपास सूखे हुए कलर्स निकलने लगा है इसलिए पानी हल्का हरा हो गया। और ये देखिए, अब जरा कोशिश करते ही कैप अनस्क्रू होने लगा और एक्रिलिक्स में तो एक्सेस प्लास्टिक के लेयर्स जो लीड के पैच को ब्लॉक करके रखा था वो भी निकलने लगा है। सो फ्रेंड्स, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस सिंपल हैक टू अनस्क्रू द लीड ऑफ योर ओल्ड ड्राइड आर्ट सप्लाइज। दिस टाइम इस आर्ट वर्क में टूथब्रश यूज करके हैक्स ट्राई करेंगे। कुछ डिजाइन्स बनाना है, एक ट्री ड्रॉ कर लेते हैं और इसका स्केचिंग से लेकर पेंटिंग तक पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो अब इस पर लीप्स तो बनाना पड़ेगा, तो हम स्ट्रिपिंग इफेक्ट स्टाइल में यूजुअली इस तरह से फ्लैट ब्रश में पेंट लेकर लीप्स बनाते हैं। तो उस पर कई बार बिगिनर्स का फाइनल आउटकम उतना अच्छा नहीं आ पाता क्योंकि डॉट्स क्रिएट करते वक्त ब्रश पर प्रेशर बहुत ही हल्का और बैलेंस्ड रखना पड़ता है। तो अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है या ये स्टाइल जरा प्रॉब्लम लगता है तो पहले इस तरह से टूथब्रश को जरा पानी में डैम्प कर ले, देन एक क्लीन क्लॉथ या टिश्यू पेपर में एक्स्ट्रा पानी अब्सॉर्ब कर ले। कलर मैं यहाँ पोस्टर कलर ही यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। इस मेथड के लिए देख लेना है बहुत ज्यादा कलर या पानी ब्रश पे ना रहे, इसलिए वीडियो में दिखाए गए अनुसार कलर लेकर कलर का थिकनेस एक बार रफ पेपर में चेक कर ले और अब ऐसे डॉट्स क्रिएट करते हुए पूरे पेड़ को पत्तों से भर दे। ये प्रोसेस काफी आसान है और फाइनल आउटकम बहुत ही कम्प्लीटेड लगता है। फ्लैट ब्रश से टूथब्रश में हमारा ग्रिप और कंट्रोल दोनों बेटर रहता है क्योंकि फ्लैट ब्रश का ब्रिसल्स कंपेरेटिवली सॉफ्ट बट टूथब्रश के ब्रिसल्स काफी स्पाइकी और स्ट्रॉन्ग रहता है। फाइनली पेंटिंग हो जाने के बाद आर्टवर्क को अच्छी तरह से ड्राई जरूर कर ले। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कैसे इस ब्रश का ही उपयोग करके हम ग्रासेस और फ्लावर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। थिन ब्रशेस से कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, इस हैक से आप सिंपली टूथब्रश में ही कलर लेकर हल्के हाथों से ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाते हुए छोटे साइज से मीडियम और मीडियम से लॉन्ग ब्रशेस बना सकते हैं। इस प्रोसेस में काम काफी जल्दी हो जाता है।
मैंने यह एकदम लाइट से लेकर डार्क दोनों तरह के शेड्स यूज करके एक घने घासों का लुक दिया है। अब फ्लावर्स बनाने के लिए रेड और व्हाइट दोनों कंट्रास्टिंग शेड्स को यूज करूंगी और सेम जैसे हमने स्ट्रिपलिंग मेथड या डॉट्स क्रिएट करते हुए लिप्स बनाए हैं, बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट कलर्स यूज करके हमें फ्लावर्स क्रिएट कर लेना है। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसी तरह से डिफरेंट स्टाइल के आर्ट क्राफ्ट DIYs, हैक्स टिप्स ट्रिक्स एंड कलर मिक्सिंग रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट हैक में देखेंगे अगर हमें जीरो साइज से भी थिन ब्रश चाहिए या बहुत ज्यादा छोटे सरफेस पर आर्ट करना पड़े तो क्या क्या यूज कर सकते हैं। ऐसे में आप पुराने आईलाइनर ब्रश को यूज कर सकते हैं क्योंकि आईलाइनर ब्रश जीरो साइज के ब्रश से भी पतला होने के कारण इससे आप एक्सट्रीम थिन लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। साथ ही एकदम बारीक डिजाइन्स डिटेलिंग्स लाइक मैंने यह दो छोटे छोटे बार्स ड्रॉ किया है इस तरह के काम भी कर सकेंगे क्योंकि एकदम मिनिएचर सरफेस या बारीक वर्क्स में अक्सर जीरो साइज के ब्रशेस भी काफी थिक लगने लगते हैं। पर अगर आपके पास आईलाइनर ब्रश नहीं है तो आप कोई पुराना जीरो या वन साइज के ब्रश जो खराब हो चुका है उसे एक सीजर की मदद से डीपली कट करके ऐसा पतला बना सकते हैं और वीडियो में दिखाए गए अनुसार आसानी से कुछ लिख भी सकते हैं। मैं यह दोनों ऑप्शंस को यूज करके लिख के दिखा रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और इन टूल्स को आप नाइट स्काई में स्टार्स मिनिएचर पेंटिंग या नेल आर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये वर्क हमारा हो गया। अब इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए वर्निश का एक कोट देना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट वर्क में हम DIY वर्निश बनाना सीख लेते हैं। वर्निश बनाने के लिए हमें चाहिए ग्लू, तो मैं फेविकॉल यूज कर रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी पेपर ग्लू इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहिए जरा सा पानी। तो मैं पहले अप्रोक्स 2 टीस्पून ग्लू के साथ 1 टीस्पून पानी ऐड कर लूंगी। मिक्स कर लेते हैं, बाद में जरूरत के अनुसार पानी ऐड करेंगे। द मेन थिंग इज अगर आपको एक शाइनी ग्लॉसी फिनिशिंग के वार्निश चाहिए तो ग्लू का अमाउंट पानी से अधिक रहेगा, लाइक 4:1 रेशियो। और मैट फिनिश चाहिए तो पानी का अमाउंट लगभग ग्लू से अधिक या समान रहेगा, लाइक 3:2 रेशियो। सो मैं यह बेसिकली एक ग्लॉस वार्निश बना रही हूँ इसलिए पानी से ग्लू का अमाउंट अधिक ऐड किया है और मिक्सिंग के वक्त कंसिस्टेंसी जरा ठीक रखा है। सो ये DIY वार्निश हमारा बन गया। अब पेंटिंग ब्रश से अच्छी तरह से अप्लाई करके देखते हैं कैसा बना है। वार्निश हमारे आर्टवर्क को एक वाटरप्रूफ प्रोटेक्शन लेयर देता है और इसे आप आर्ट क्राफ्ट DIYs किसी भी सरफेस में यूज कर सकते हैं। और ये देखिए वार्निश ड्राई हो जाने के बाद फाइनल आउटकम काफी शाइनी ग्लॉसी फिनिशिंग आया है, एकदम परचेस किया हुआ वार्निश जैसा ही लुक आया है। सो इट्स डन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ जहाँ हम बनाना सीखेंगे DIY वाटरप्रूफ स्टिकर। तो उसके लिए मैंने यह न्यूज़पेपर लिया है और ये तो हम सभी को मालूम है न्यूज़पेपर्स के कागज कितने पतले होते हैं। कट करके एक मीडियम साइज का पीस निकाल कर हम पोस्टर कलर या वाटर कलर से एक सिंपल डिजाइन बनाएंगे। मैंने यह पोस्टर कलर लिया है जो एकदम वाटर सोल्यूबल होते हैं, जरा सा पानी लगते ही गलने लगता है, और साथ में न्यूज़पेपर जो बेहद पतले होते हैं। सो इन्हीं से मैं एक सिंपल डिजाइन बना लूंगी और फिर एक हैक ट्राई करूंगी जिससे ये एकदम वाटरप्रूफ बन जाएगा और इसे पानी में भी डिप करके दिखाऊंगी। सो लेट्स चेक इट आउट। एक काम करते हैं, पेपर के रिमेनिंग पार्ट में भी कलर कर देते हैं ताकि एकदम साइड से भी अगर पेंट निकलने लगे या पेपर गीला हो जाए तो ये पता चल जाएगा। तो अब कलर ड्राई हो जाने के बाद हम इसे टॉप कोट करेंगे एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से। ये एक छोटा न्यूज़पेपर का टुकड़ा है जिसे हमने स्टिकर जैसे सजाया है। सो इस पेपर को थिकली ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से कवर अप कर देते हैं। DIY कार्डबोर्ड के फेक नेल्स को वाटरप्रूफ बनाने का वीडियो भी मैंने शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो में दिखाए गए अनुसार आउटर एजेस को भी कवर अप कर ले ताकि पानी अंदर न जा सके, और ऐसे ही बोथ साइड को कवर अप कर लेना है। एक साइड ड्राई होने के बाद ही उसे उलटकर ऑपोजिट साइड में पेंट अप्लाई करें। मैंने यह बोथ साइड में 2 कोट करके पेंट अप्लाई किया है। ड्राई होने के बाद देख लेते हैं। इस तरह से आप अपने लिए स्टिकर्स बना सकते हैं, छोटे मोटे हैंडमेड टेराकोटा ज्वेलरी क्ले आर्ट आदि को भी वर्निश कर सकते हैं। देखिए ड्राई होने के बाद एक ग्लॉसी एंड शाइनी फिनिशिंग तो आया ही है, साथ में टच करने पर एक प्लास्टिक जैसा टेक्सचर भी आ रहा है। अब टेस्ट करके देखेंगे सही से बना है कि नहीं। एक बोल में पानी भर कर लिया है, अब इसे डिप कर दूंगी। ये मैंने कई बार घर पर टेस्ट करके देखा है, आप चाहे जितने भी देर तक पानी में इसे डिप करके रखे कुछ नहीं होगा। चलिए ऊपर से और थोड़ा पानी डाल देते हैं। आप होल नाइट भी ऐसे रख देंगे तब भी ना पेपर गीला होगा और ना कलर निकलेगा और ना स्टिकर हमारा खराब होगा। अब देखिए मैं इसे सिंपली उठा के पोंछ लूंगी, बस हो गया। चाहे जितने भी बार इसे डिप करे ये एकदम सही रहेगा।
इस वीडियो में दिखाए गए हैक्स अगर आप घर पर ट्राई करते हैं तो आप मुझे अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने कुछ हैक्स, DIY टिप्स एंड ट्रिक्स सीखा है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए वर्क के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी पॉजिटिव एंड नेवर स्टॉप चेजिंग योर ड्रीम्स। थैंक यू।